हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले में कसरावत तहसील के ग्राम लेपा बसावट में निजी विद्यालय श्री गुरुकुल स्कूल में कक्षा 8वीं के छात्र अमित यादव को बेरहमी से प्राचार्य द्वारा पीटने का मामला सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल कार्यवाही की बात कही तो जिला अध्यक्ष ने कड़ी निंदा की है। ग्राम टिकरियाओं में रहने वाले मनशाराम यादव के दो बच्चे अमित यादव उम्र 15 और बेटी हंसा उम्र 13 वर्ष कक्षा 7वीं में पढ़ती हैं। उन्होंने यह बताया कि जब कल मैं घर लौटा तो मैंने अपने बालक अमित को लंगड़ा कर चलते हुए देखा तो पूछा कि बेटा क्या हुआ है। मैंने मेरे बच्चे के कपड़े हटाकर देखा तो उसने पैरों पर चोट के गहरे निशान दिखाए। बच्चे ने बताया कि स्कूल के प्राचार्य ने मेरी एल्यूमिनियम की रॉड से पिटाई कर दी है। इस मामले में मेरे द्वारा प्राचार्य से बात करने पर उन्होंने बताया कि शरारत करने पर सजा तो मिलेगी और आपने ही कहा था कि यदि बच्चा शरारत करे तो आप उसे सजा दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसे सजा दी। मेरी बच्चे की हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और इसकी शिकायत मैंने कसरावत थाने पर की, जहाँ पर बच्चे का डॉक्टर जाँच करा कर मुझे घर भिजवा दिया गया। रात में ठंड बहुत ज़्यादा थी, मेरा बच्चा पूरी रात दर्द से कराहता रहा। ऐसे जालिम शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाना चाहिए। अब बड़ी बात तो यह है कि इतने बेरहम और जल्लाद किस्म के लोग शिक्षा के मंदिर में खुद ही संस्थापक और प्राचार्य हैं, तो स्कूल के दूसरे स्टाफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की नहीं है और उस पर ऐसे प्राचार्य हो तो बच्चों का तो भगवान ही मालिक है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी श्री के डोंगरे जी से बात की तो उन्होंने अभी सनावत में होने की बात कही और स्कूल प्रबंधन पर तत्काल कार्यवाही की बात कही। अब देखना यह है कि कार्यवाही कब होती है और क्या होती है, या फिर ये शिकायत भी हमेशा की तरह कागजों पर ही खत्म हो जाएगी। जब इस मामले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष लवेश राठौर से बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में इस कृत्य की निंदा की और कहा कि संगठन किसी भी गलत काम का साथ नहीं देगा। खरगोन से अजय तिवारी के साथ कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। जी, मेरा बच्चा लेपा पुनर्वास गुरुकुल में स्कूल जाता है तो ये क्या लंच की छुट्टी में कई बच्चे मजाक मस्ती करने में रहे तो इसके हाथ में कोई साई थी दूसरे बच्चे को लगा दी, तो दूसरे बच्चे ने क्या हुआ कि प्रिंसिपल जी को शिकायत की तो प्रिंसिपल साहब ने ये बच्चे को मारा एल्यूमिनियम की रॉड से। अब मैं तो मजदूरी वाला आदमी, मैं रात के 9 बजे आया तो मेरे को बच्चे ने दिखाया तो मैं यहाँ थाने पे कंप्लेन करवाने भी आया था रात को। उसके बाद मैं यहाँ से चला गया, डॉक्टरी भी हुई उसकी, रात को चला गया 12 बजे रात को, इसको बहुत तकलीफ दर्द हुआ तो मैं एक किराना दुकान से दर्द की गोली लाया, दो बार में दी, फिर इसको नींद आई, फिर सुबह और वापस आया मैं। अभी तक उठा ऊपर बस ठीक है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है सर रितेश चेतन। सर, आपकी स्कूल श्री गुरुकुल एकेडमी। आप कौन से पद पे? इस पे मैं सर प्राचार्य पद पर हूँ। सर, अभी एक पेरेंट्स ने आप पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, कोई बच्चे को आपने मारा है तो लगभग उनका कहना है कि आपने एल्यूमिनियम की रॉड से का उपयोग किया है उसे मारने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? सर, मैंने लकड़ी से मारा है ये सही है, लेकिन 4 से 5 लकड़ी उसको मारी थी और उसने बहुत गलतियां करी, स्कूल में चोरियां भी करता था वो। उनके पेरेंट्स को भी मैंने इन चीजों की खबर करी लेकिन उनके पेरेंट्स कभी आने को तैयार नहीं, और यहाँ तक कि उस बच्चे को मैंने सुधारने के उद्देश्य से ये कदम उठाया था, और जिनसे मेरे पेरेंट्स से बहुत अच्छे संबंध है और हमेशा से अच्छे रहे थे, लेकिन बच्चा भी जो है गलतियां बिल्कुल कम करने का नाम नहीं ले रहा था। जब वो एडमिशन देने आए थे अपने यहाँ इस वर्ष तो मैंने उनका एडमिशन लेने से मना भी कर दिया था, क्योंकि उस बच्चे की मैंने पहले ही बहुत कुछ कंप्लेंट्स सुन रखी थी किस तरह की ये चोरी वगैरह करता है और बच्चों को मारा कुटी भी करता है सर वो, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने उनका एडमिशन लेने से मना भी किया था साल के शुरू में, लेकिन फिर भी वो माने नहीं कि नहीं गुरुजी आपको पढ़ाना पड़ेगा इस बच्चे को, आपको बिल्कुल पढ़ाना पड़ेगा, आप इसको संस्कार दो। तो मैंने कहा कि भैया ये इस तरह की हरकतें करता है तो फिर मैं कैसे क्या सुधार पाऊंगा इसको, तो बोले आपको जितना भी बिल्कुल जैसा पनिश करते बने करिए। तो मैंने इस बार ऐसी स्थिति बनी कि मुझे 4 से 5 उसको लकड़ियां मारना पड़ी और ये सिर्फ उसको सुधारने के उद्देश्य से किया, बाकी और उसमें दूसरा कोई भी कारण नहीं था कि किसी और कारण से मैंने उस पर हाथ उठाया या उसे डांटा हो। जब उसने गलतियां करी है उन गलतियों को सुधारने के उद्देश्य से मैंने करा है, बाकी मुझे उस बच्चे से आज भी कोई शिकायत नहीं है
कोई दिक्कत नहीं सर। उसके परिवार की तरफ से उसके पिताजी ने आप पे और भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके जो बालिका पढ़ती है उसको भी सातवीं क्लास के बच्चे से आपने 1000 बैठक लगवाई थी जिसकी वजह से उसने स्कूल आना बंद कर दिया। सर ये सब झूठ बातें हैं, ये सब झूठ बातें हैं। उनकी बच्ची को यहाँ तक कि मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ सर, मेरी स्कूल में निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। मेरे उनके संबंध अच्छे पेरेंट्स से होने के कारण वो पिछले 5 साल से मुझसे जुड़े हुए पेरेंट्स, और जब तक कि उनके बच्चे जब मेरे यहाँ नहीं पढ़ते थे तब भी मैं एनुअल फंक्शन में उनको इन्वाइट करता था और अपने एनुअल फंक्शन में उनको बुलाता था। सर कल क्या ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा आया कि आपको इस तरह से मारना पड़ा? नहीं सर, गुस्सा कोई मुझे विशेष नहीं आया और न मैंने गुस्सा किया था, पर उसको बस पनिशमेंट देना था, एक थोड़ा सा उसको सीख सिखाना थी बच्चे को कि उसने जो गलतियां करी वो इस तरह की गलतियां करना बंद कर दे। जिसमें वो साल के शुरू से टिग्रियाओं के पेरेंट्स से मैं आपको बात करवा दूंगा, आपको मिलवा दूंगा सर मैं इन चीजों के लिए कि किन किन बच्चों को वो बस में मारता था, छोटे बच्चों को उठा के भगा देता था सीट पे से, इस तरह की बहुत सारी उसने मक्कारियां करी। यहाँ पर चोरी चपाड़ी भी क्लास में करता था, इस तरह की सारी चीजें वो करता रहा जिसके कारण उसको ये पनिशमेंट के कारण यहाँ पर स्थिति बनी। क्योंकि सर अभी कुछ रूल्स हैं कि बच्चों को इस तरीके से ना मारा जाए कि उसके शरीर पर कुछ निशान दिखाया जाए, लेकिन उसके शरीर पर हमने देखा कि कुछ चोट के निशान से हैं। तो वही सर मैं बता रहा हूँ, लकड़ी से जो उसको 4-5 लकड़ियां मारी ये सही है, मैंने मारी उसको, मैं इसमें बिल्कुल। आपका स्कूल कितनी कहाँ से कहाँ तक है आपके? अपना सर नर्सरी से 10वीं तक की कक्षाएं संचालित होती है अपने। और लगभग कितने साल से संचालित कर रहे हैं आप? सर ये लगभग पिछले 5 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, अपना 6ठा वर्ष चल रहा है। सर पालक ने थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई है, क्या कहेंगे? नहीं मैं तो यही कहूंगा सर कि उन पालक ने ही मुझे कहा था कि उन बच्चों को मुझे अच्छे से सुधारना है, बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, और मैंने पिछले 8 महीने में काफी उसको सुधारने में सफलता भी प्राप्त करी है। उस बच्चा जब यहाँ पर आया था तो उसको बराबर हिंदी पढ़ना नहीं आ रही थी, जो आज ये स्थिति है उस बच्चे की पिछले 8 महीने में पढ़ाने के बाद कि हिंदी के साथ साथ वो अंग्रेजी पढ़ना सीख गया है, और यहाँ तक कि उसके साथ कभी यहाँ पर भेदभाव या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ हो तो मैं बिल्कुल उसके लिए सहमत हूँ कि ऐसा कभी उसके साथ कभी नहीं हुआ। हमारे लिए जितने हैं बच्चे, सारे बच्चे हमारे लिए समान महत्व रखते हैं, और वो पेरेंट भी हमारे लिए अभी तक बहुत अच्छे थे, लेकिन अब पता नहीं उनको ये क्यों हुआ, क्या हुआ, वो स्कूल से कुछ और उनकी इच्छाएं जागृत करना चाहते, पता नहीं, मैं नहीं समझ सकता इस मानसिकता को। उनके फादर की एक और शिकायत थी कि अब बीच से अगर मेरे बच्चे को निकाला जाता तो मैं उसे किसी स्कूल में पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो क्या होगा उसका बच्चे का भविष्य? नहीं सर, अभी मैं भी इस चीज के साथ सहमत हूँ, मैं भी शिक्षक इस चीज को समझ सकता हूँ कि साल के बीच में कोई दूसरा स्कूल लेगा भी नहीं उन्हें, लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह कि वो इस तरह की यहाँ पर आएगा, इस तरह की चोरी वगैरह ये सब उल्टी हरकतें करते रहेगा सर, तो मैं स्कूल को कैसे क्या चला पाऊंगा। इसलिए मैंने उनसे कल निवेदन किया था, उनके घर पे जाके बोला था कि इस बच्चे को कोर्स पूरा हो चुका है उसका पढ़ाई का, तो आप उसे घर पे स्टडी करवाएं, और जब एग्जाम रहेगी मैं एग्जाम में उसको यहाँ पर एग्जाम दिलाने के लिए बुला लूंगा। गुरुकुल स्कूल का मामला जो लेपा का था, क्या था मामला? ये बच्चे के साथ में उसके पिता यहाँ थाने पे आए थे और उन्होंने शिकायत थाने पे की है लिखित में कि बच्चे के साथ में स्कूल में उसके टीचर ने किसी बात पे मारपीट कर दी है छड़ी से। बच्चे का मेडिकल कराया गया है और मामले को जांच में लिया गया है, बयान के बाद जांच के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बच्चे के पिता का आरोप था कि जानबूझ के मारा गया है इसको, इसी बात की हम जाँच कर रहे हैं, जांच के लिए सभी दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा और उनके कथन लेकर के जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक बनेगी वो निश्चित रूप से की जाएगी। सर कसराज स्कूल में ये जो बच्चे को मारपीट करने का जो मामला सामने आया है, क्या मामला है सर, किस तरीके की कार्रवाई? मुझे भी अभी वीडियो फुटेज के थ्रू मालूम हुआ है कि कसराज के समय किसी गाँव में स्कूल में स्कूल संचालक या प्रिंसिपल के द्वारा जो है वो बच्चे को मारा गया है, और उस बच्चे के शायद बताना कि वीडियो फुटेज भी मैंने देखे हैं। तो एक निजी स्कूल संचालक होने के नाते तो मैं इस कृत्य की बहुत कड़ी शब्दों में निंदा भी करता हूँ, और जिला अध्यक्ष होने के नाते, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष होने के नाते भी मैं सभी स्कूल संचालकों से पुनः एक बार अपील करता हूँ कि वे बच्चों को शारीरिक प्रताड़ना कतई न दें, और बच्चे अगर किसी भी तरीके से आप परेशान हो रहे हैं या बच्चा आपको परेशान कर रहा है तो उसके माता पिता को बुला करके उसे समझाया जाए और माता पिता को अवगत कराया जाए, लेकिन कम से कम ये शारीरिक प्रताड़ना से बचने का पूरा पूरा प्रयास करें, क्योंकि ये शारीरिक प्रताड़ना कहीं ना कहीं स्कूल संचालकों के लिए भी और हम सभी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। सर आपके संज्ञान में आने के बाद आपने क्या प्रिंसिपल साहब से बात करी क्या कसरावत? मेरे पास उनका नंबर नहीं है, लेकिन मैंने कसरावत ब्लॉक अध्यक्ष रतन मिश्रा जी से बात की है और उन्होंने उस स्कूल संचालक से बात की है और स्कूल संचालक ने स्वयं स्वीकार किया है कि हाँ ऐसी घटना हुई है।
इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आपकी तरफ से कोई पहल? मैं आज आपके माध्यम से समस्त जिले के प्राइवेट स्कूल संचालकों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे कृपया ऐसी किसी भी घटना को दोबारा अंजाम न दें। आपके जो भी शिकायत को बच्चों को लेकर के उसको सही तरीके से माता पिता सबको अवगत कराएं, वही सबसे बेहतर विकल्प होगा। ये है गुरुकुल स्कूल लेपा बसावट का छोटे से ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर नर्सरी से लेकर 10वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल पर पालक ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। हमने खुद देखा है कि बच्चे को काफ़ी गंभीर चोटें हैं पैर में। पालक का और बच्चों का कहना है कि उन्होंने एल्यूमिनियम की राड से हमें मारा है, और इसी को लेकर हमने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने इस बात को सरासर नकारा है। उन्होंने कहा है कि जी हाँ, मैंने मारा जरूर है, लेकिन एल्यूमिनियम की राड से नहीं, मैंने लकड़ी से मारा, और बच्चों को सुधारने के लिए ये किया जा सकता। मुझे ये बार बार कहने में कोई परेशानी नहीं कि मैं बच्चों को सुधारने के लिए मारता भी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।